हेलो फ्रेंड्स, पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ केसेस डिस्कस करे। 4 केसेस हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट केस था कि अगर पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ करता पर्सनल यूज़ के लिए। सेकेंड केस था जिसमें पार्टनर हर मंथ के लास्ट में फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं। थर्ड केस था कि अगर पार्टनर क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉ करता है और क्वार्टर के एंड में अगर वो विड्रॉ करता है। और फोर्थ केस था कि अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो इन केसेस में उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और केसेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन केसेस में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पीछे ये 4 क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस की हेल्प के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिमेनिंग केसेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि आज से मैं अपने सेशन में एक और फीचर ऐड करने जा रहा हूँ कि अब हर सेशन के लास्ट में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। उन क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और उसको वेरीफाई करने के लिए अपने नेक्स्ट सेशन में मैं उनके आंसर्स दूंगा। तो मेरी तरफ से एक ईमानदार कोशिश है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की, ताकि आपका नॉलेज बेस बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बन सको, आपके सोचने की क्षमता बढ़ सके, आपका रीजनिंग करने की जो पावर है वो इंक्रीज हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फीचर आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप दिल खोल के इसमें पार्टिसिपेट करोगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, अब 1 by 1 हम यहाँ पे जो इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नंबर 1 कहता है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ऑयरन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 If he withdrew ₹3600 in the beginning of each quarter। कहता है आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है मिस्टर आयरन का 10% पर एनम के हिसाब से। अगर यहाँ पे वो ₹3600 हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रा करता है, हमने लास्ट सेशन में केस किया था कि जिसमें क्वार्टरली अमाउंट विड्रा किया जाता है बट क्वार्टर के लास्ट में। अब यहाँ पे केस आ गया कि अगर पार्टनर हर क्वार्टर के बिगनिंग में यहाँ पे अमाउंट विड्रा करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि मेनली 2 मेथड होते हैं जिसको यूज करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक था प्रोडक्ट मेथड और दूसरा था हमारा शॉर्टकट। और मैंने आपको बताया प्रोडक्ट मेथड से भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है और दूसरा शॉर्टकट मेथड से भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इन क्वेश्चन में हम शॉर्टकट मेथड ही यूज करेंगे और उसको यूज करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करेंगे। तो बाकी अगर आप प्रोडक्ट मेथड से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट जिनके MCQs आएंगे तो उनको तो शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करना है, इसलिए मैं शॉर्टकट वे में ही आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी है। 3600 पर क्वार्टर है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। हमारी जो टोटल ड्राइंग्स है वो कितनी आ गई? 14,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड हमें यूज करना है, तो अब देखना पड़ेगा कितने महीने का हम इंटरेस्ट निकालें। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें देखना है कि जब पहली बार ड्राइंग की उसके बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे, और जो लास्ट ड्राइंग की उसके बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे। हमारा क्वार्टर जो शुरू होता है, अब इसमें लिखा है कि ये ईयर जो है 31st March 2019 को क्लोज होगा, उसका आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है जिसके हम बात कर रहे हैं, ये 2018 को शुरू होगा, अप्रैल 2018 को, तो 31st March 2019 को ये क्लोज हुआ होगा। तो अब इसमें यहाँ पे क्वार्टर जो है कितने हैं? 4 होंगे। तो पहला क्वार्टर जो है उसमें कौन कौन से महीने आए? अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड, एंड जनवरी टू मार्च, ठीक है, 2019। ये 2018 में आ गए, ये 2019, तो ये 4 क्वार्टर हमारे यहाँ पे आते हैं।
अब हमने ड्राइंग्स कब की? इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो यानी कि हमने यहाँ पे जो पहली ड्राइंग की वो कब की? अप्रैल फर्स्ट को, ठीक है। दूसरी ड्राइंग कब की? जुलाई फर्स्ट को। थर्ड ड्राइंग कब की? अक्टूबर फर्स्ट को, क्योंकि क्वार्टर के बिगनिंग में। और फोर्थ ड्राइंग की? जनवरी फर्स्ट को, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे कि इसमें पहली ड्राइंग करने के बाद रिमेनिंग मंथ कितने बचे हैं। अगर हमने फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग की तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे? 12। हमने जो लास्ट ड्राइंग की वो कब की? जनवरी फर्स्ट को। हमारा अकाउंट ईयर क्लोज होता है 31 मार्च 2019 को। तो जब लास्ट ड्राइंग की तो पीछे नंबर ऑफ मंथ्स कितने रह गए? जनवरी फरवरी मार्च, 3। दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये आ गया 7.5, ठीक है। तो दैट मींस हम यहाँ पे 7.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अल्टीमेटली पूरे साल का हमारा इंटरेस्ट निकलेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से जब भी आपने शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है तो आपने यही देखना है कि कितने नंबर ऑफ मंथ के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है। उसके लिए पहली ड्राइंग के बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे और लास्ट ड्राइंग के बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने पीछे रह गए, तो उनको लेके उन दोनों को प्लस करना, डिवाइड करना 2 के साथ, और जो एवरेज मंथ आएंगे उन्हीं मंथ्स के हमें यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ निकला 7.5, तो दैट मीन्स यहाँ करेंगे 7.5 डिवाइड बाय 12। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है इंटरेस्ट निकल आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ गया, ये 900 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 इफ ही विड्र्यू ₹3600 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब आपने कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है मिस्टर ए का, अगर 10% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर वो यहाँ पे हर क्वार्टर के मिडिल में 3600 रुपीज़ वो विड्रा करता है। अब इसमें मिडिल आ गया, पहले क्वेश्चन में था एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये आ गया इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, कि अगर क्वार्टर के मिडिल में अमाउंट विड्रा करता है तो अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना बनता है। अच्छा जी, तो पहले तो हम देखेंगे कि ड्राइंग्स इसकी कितनी है। 3600 पर क्वार्टर है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, तो पूरे साल की हमारी ड्राइंग्स बन गई 14,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। अब कितने मंथ के लिए निकालना है, एवरी मंथ कितने हैं, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब ये अकाउंटिंग का जो है 31st December 2019 को क्लोज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता अकाउंटिंग का कोई भी है, सिर्फ आपने यहाँ पे क्वार्टर तो एक साल में 4 ही होते हैं, तो इसी तरीके से चलना है। तब इसको रब भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें फर्स्ट क्वार्टर आ गया जनवरी फर्स्ट से लेके 31st मार्च तक, 3-3 महीने। दूसरा आ गया अप्रैल फर्स्ट से लेके 30th जून तक। थर्ड आ गया 1st जुलाई से लेके 30th सितंबर। और फोर्थ क्वार्टर आ गया 1st अक्टूबर to December 31st, ठीक है। ये 4 क्वार्टर आ गए। अब इसने हर क्वार्टर के मिडिल में यहाँ पे अमाउंट विड्रा किया। अब मिडिल कौन सा है, इसमें जो मिडिल का महीना है वो कौन सा है? फैब, यानी कि 15 फैब। पहले उसने ड्राइंग की 15 फैब को, लास्ट उसने ड्राइंग कब की?
अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कौन सा मंथ आ गया, नवंबर, यानी कि 15 नवंबर, ठीक है। अब उसने अगर 15 फेब को पहली ड्राइंग की तो पीछे नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे, 10.5 ही हुआ ना, और लास्ट जब लास्ट ड्राइंग की तो पीछे रिमेनिंग मंथ कितने बचे, 15 डेज नवंबर के हैं और दिसंबर का पूरा महीना, यानी कि 1.5। दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो कितना आ गया, 6। तो यानी कि हम यहाँ पे 6 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आ गया ये, ₹720। तो दूसरे क्वेश्चन का इंटरेस्ट निकल गया 720, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में इसी तरीके से करना है कि आपने देखना कि पहली जब ड्राइंग की तो पीछे रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे पूरे साल में, और जो लास्ट ड्राइंग की उसके बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे, उन दोनों की एवरेज निकाल लेनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनर मंथ के बिगनिंग में अमाउंट विड्रॉ करता है, मिडिल में करता है, लास्ट में करता है, क्वार्टरली करता है, हाफ ईयरली करता है। तो हर केस में आपने इसी तरीके से यहाँ पे एवरी मंथ निकाल लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर बी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इफ ही विड्रू ₹1200 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। आपने कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी का यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, ईयर जो है वो क्लोज होता है 31st March 2019 को, और अगर वो अमाउंट विड्रा करता है ₹1200 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, पहले इन द मिडल ऑफ क्वार्टर था, अब यहाँ पे एवरी मंथ आ गया, यानी कि अगर पार्टनर हर महीने के मिडल में यहाँ पे अमाउंट विड्रा करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो देख लेते हैं इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले तो हम देखेंगे कि ड्राइंग्स हमारी पूरे साल की कितनी है, 1200 पर मंथ है, तो पूरे साल की ड्राइंग होगी 14,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, ठीक है। अब कितने महीनों के लिए हमें यहां पे इंटरेस्ट निकालना है, लिखा हुआ है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ये अकाउंटिंग ईयर April 1st 2018 को स्टार्ट हुआ होगा, इसलिए 31st March 2019 को क्लोज होगा, ठीक है ना, लिखा है कि 31st March 2019 को क्लोज हुआ, तो स्टार्ट कब होगा, April 1st को। इसने पहली जो ड्राइंग की, लिखा हुआ उसने कहता है हर महीने के मिडल में, तो पहली बार उसने ड्राइंग की 15 अप्रैल को, ठीक है, फर्स्ट मंथ यही है अप्रैल, और लास्ट उसने जो ड्राइंग की वो कब की, 15 मार्च 2019, ये 2018। पहली बार ड्राइंग करने के बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने रह गए इस साल, 15 अप्रैल, तो ये आ गया 11.5, 11.5 महीने पीछे बचे। जो लास्ट ड्राइंग की उसने 15 मार्च को, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ कितने बचे उस ईयर में, 15 डेज, यानी कि आधा महीना। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 मंथ का हम यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। चाहे आप प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल कर लो, चाहे शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लो, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें भी कितना आंसर आ गया हमारा, ₹720, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 720, क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018 ए पार्टनर मेड द फॉलोइंग ड्राइंग्स। कहता है कि जो ईयर 31st March 2018 को ख़त्म हुआ उसमें पार्टनर्स ने यहाँ पे ये ड्राइंग्स की। अब इसमें अलग अलग डेट पे पार्टनर ने अलग अलग ड्राइंग्स की हैं। कहता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन इट इज चार्ज एट 10% पर एनम। अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना है अगर वो 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, एक तो यहाँ पे उसने अलग अलग डेट पे अमाउंट विड्रा किया हुआ है, और अमाउंट का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करना होगा।
एक बात का ध्यान रखना, शॉर्टकट मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर यहाँ पे पार्टनर ने फिक्स्ड अमाउंट विड्रा किया है, हर पीरियड में उसका अमाउंट सेम है। जैसे हर महीने के अगर स्टार्टिंग में उसने 1000 विड्रा किया है तो पूरा साल उसने 1000 विड्रा किया होना चाहिए। और अगर उसने क्वार्टरली अमाउंट विड्रा किया है तो हर क्वार्टर में उसका यहाँ पे जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर वो फिक्स्ड अमाउंट जो है विड्रा करता है फॉर्म से, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट डेट पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट विड्रा करता है, उस केस में फिर प्रोडक्ट मेथड ही हम यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। इसमें शॉर्टकट जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड हम कैसे इस्तेमाल करते हैं आपको मैं लास्ट सेशन में बता चुका हूँ, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले इसमें डेट का कॉलम, फिर कितना अमाउंट उसने विड्रा किया ड्राइंग्स, देन नंबर ऑफ मंथ्स, और लास्ट में आता है प्रोडक्ट, ठीक है। चाहो तो लाइन लगा लो। तो पहले डेट से देख लेते हैं कि किस किस डेट को उसने कितना कितना अमाउंट विड्रा किया। फर्स्ट आ गया अप्रैल 30, अमाउंट उसने विड्रा किया 2000। नेक्स्ट आ गया जुलाई फर्स्ट में उसने अमाउंट विड्रा किया 5000। देन आ गया अक्टूबर 31st को उसने अमाउंट विड्रा किया 4000। नेक्स्ट आ गया मार्च 1st, अमाउंट विड्रा किया 3000। मार्च 1st अमाउंट आ गया 3000। लास्ट में आ गया मार्च 31st और अमाउंट विड्रा किया 2000। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं कि जो हमने अप्रैल 30 को अमाउंट विड्रा किया उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, यानी कितने महीनों के लिए यहाँ पे जो है इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। अप्रैल 30 को अगर उसने अमाउंट विड्रा किया तो नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए, 11, ठीक है। जुलाई 1st को अगर उसने अमाउंट विड्रा किया तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ कितने हैं, कितने महीनों के लिए इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, 9 मंथ। जुलाई 1st से काउंट करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। अक्टूबर 31st को अगर उसने अमाउंट विड्रा किया तो कितने महीनों के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 मंथ। मार्च 1st में अगर उसने अमाउंट विड्रा किया तो एक ही महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है। 31 मार्च को अगर उसने अमाउंट विड्रा किया तो इसमें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ है नहीं क्योंकि क्लोजिंग डेट पे उसने ये अमाउंट विड्रा किया है, तो इस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 22000, 45000, देन 20000, ये आ गया 3000 और ये आ गया 0। अब इसको हम टोटल कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 90000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब जो हमने प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट का टोटल किया है, उस पे हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि 90000 पे कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 10%। और मैंने आपको बताया कि अगर हमें प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करना है तो इसमें प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के टोटल के ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इसको इंटू 1/12 करना है, तो कितना आ गया, ये 750। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में कितना आ गया, 750। तो इस तरीके से प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, शॉर्टकट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रा करता है
हर महीने या हर क्वार्टर में, उस केस में हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट विड्रा करता है, उस केस में प्रोडक्ट मेथड ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये थे कुछ केसेस हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, कुछ हमने लास्ट सेशन में किए, कुछ हमारे केस ये आ गए, ठीक है। तो अब इन्हीं केसेस से रिलेटेड अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूँगा, तो जिनका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो पार्टनर की कैपिटल है उस पे उसको इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्यों पे किया जाता है। क्योंकि आप कह सकते हो भी जो फॉर्म है वो पार्टनर की अपनी है, वो फॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न किया जाए, तो क्यों यहाँ पे पार्टनर अपनी कैपिटल पे फॉर्म से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि ओनर खुद ही है, ओनर अपने आप से कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फॉर्म इंटरेस्ट फॉर्म जो है वो पार्टनर को क्यों देती है। दूसरा वैसे ही कि फॉर्म जो है पार्टनर की अपनी है, उसका अपना पैसा उसमें लगा हुआ है, तो जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से पैसा निकालता है तो उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है, क्यों फॉर्म जो है वो पार्टनर से उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि जब हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे वन मंथ का ही इंटरेस्ट क्यों निकालते हैं, क्या ये रूल है कि वन मंथ का ही निकालना है, या कोई और रीज़न है क्यों हम यहाँ पे वन मंथ अप्लाई करके ही यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन है जो आपने, जिनका आंसर आपने सोचना है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो वेरीफाई करने के लिए अगले सेशन में मैं इनके आंसर दूंगा, फिर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे सही सोचा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।